आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। आज के इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। १९१७ में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की।